वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल अभिषा। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो मैंने अपना सेटअप चेंज कर लिया है बाहर से अंदर थोड़ा सा, इसलिए क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, एकदम नेक्स्ट लेवल 42 डिग्री 45 डिग्री ऐसे टेम्परेचर है एंड लंका लगी हुई है एकदम से। तो मैंने कहा एसी में ही शूट करते हैं क्योंकि फैन नहीं चला सकते और बाहर एसी नहीं है। ओके, सो ये हो गई मेरी सफाई। अब बात करते हैं कि आज का वीडियो क्या है। आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं आपके साथ अपने फेवरेट सूट कलेक्शन अब शेयर करूंगी जो कि मैंने पहना है बहुत सारी जगह पर, और बहुत बार ऐसा हुआ है कि मैंने लिंक नहीं दिया और लिंक दे नहीं पाई, या दिया या बहुत लोगों को मिला नहीं, या जो लोग नए जुड़ते गए उनको नहीं पता था बहुत सारी चीजें। तो आज मैं आपके साथ अपने टॉप 5 to 6 सूट शेयर करूंगी। अगले पार्ट में फिर 6 सूट आएंगे, फिर अगले पार्ट में 6 सूट आएंगे, 6-6 करके ऐसे सारे सूट आते जाएंगे। ठीक है, तो ज्यादा बातें नहीं करते, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑल्सो चैनल पर नए हैं तो मेक श्योर इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, सो दैट ये वीडियो उनके लिए भी हेल्पफुल हो सके। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि आज मेरे पास कौन कौन से सूट है। फर्स्टली वी हैव दिस ब्यूटीफुल सूट जो कि मैंने पहना है, दिस इज फ्रॉम प्रणाली कलेक्शन। बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया सूट है, डिजाइनर सूट है, इसकी स्लीव्स आप देख सकते हो। एंड ये ना इनकी रेप्लिका आपको मीशो और हर जगह मिल जाएंगी, बट दिस इज द ओरिजिनल वन। ये ओरिजिनल वन है जिसकी रेप्लिका बनी है। सो ये बहुत ही अच्छा है, बहुत कंफर्टेबल है, कॉटन का सूट है, इसमें ऐसी थ्रेड की एम्ब्रॉयडरी हुई है आप देख सकते हो, बहुत प्यारी सी। एंड आई रियली लाइक द नेक का पैटर्न, नेक का पैटर्न तो बहुत ही ज्यादा सुंदर है। मैं यहाँ पर ना वीडियो लगाती जाऊंगी जिससे आपको देखने में आसानी होगी एग्जैक्टली ये लग कैसा रहा है। इसके साथ चुन्नी मिलती है जो कि पिंक और ब्लू कलर में है, पैंट जो मिलता है वो भी कॉटन का पैंट है, एंड पूरे कुर्ते में वर्क हुआ है। कुर्ते में भी ना यहाँ यहाँ पे ये पूरा एम्ब्रॉयडरी हुई है बहुत अच्छी सी। इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, ट्रस्ट, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का सूट है। आप लोग डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं इसको, एंड मैं उनका पेज लिंक जो है ना वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। जैसे मैं डाल दूंगी ब्लू कलर का सूट, ओके, आइस ब्लू कलर का सूट, और उसके आगे उनका लिंक डाल दूंगी। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट सूट जो कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी गुड क्वालिटी का है, एंड किसी भी एज ग्रुप के लोग पहन सकते हैं। ये सबके ऊपर बहुत सुंदर लगेगा बिकॉज ये बहुत अच्छा लग भी रहा है। ऑल्सो मुझे ना मैचिंग इयर रिंग्स मिल गए मेरे पास रखे हुए थे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सूट जो कि है ये सूट। इसके लिए ना मेरे पास बहुत सवाल जवाब आए थे। एक्चुअली ये सूट एक इंस्टाग्राम स्टोर का है, वाइवा फैब्रिक, उनका मैंने कोलैबोरेशन किया था इस सूट के लिए। दिस सूट इज क्वाइट कॉस्टली, एंड ये भी सूट थोड़ा सा महंगा है, बट क्योंकि क्वालिटी अच्छी है, जब आप मिंत्रा वगैरह से महंगे सूट लेते हो और उनकी क्वालिटी अच्छी होती है तो आपको दुख नहीं लगता। सेम वही चीज़ है, इनकी क्वालिटी अच्छी है, आपको दुख नहीं लगेगा। सो ये ब्यूटीफुल सा सूट है। ये इसका नेक बना हुआ है पूरा, यहाँ पर पूरा वर्क हुआ है, पूरा धागे का वर्क हुआ है पूरा नेक पे। ठीक है, पूरा सूट प्लेन है, धागे का वर्क हुआ है। देन आपको प्लेन पैंट मिलती है, ग्रीन कलर की प्लेन पैंट, मतलब प्लेन पैंट मिलती है, एंड कुर्ता मिलता है, कुर्ते पे नेक पे वर्क हुआ जैसे इसमें वर्क हुआ है। देन आपको मिलता है इसका मास्टरपीस, वो है इसकी चुन्नी। लुक एट द चुन्नी। इसके साथ तो मैं बहुत कुछ बनवा सकती हूँ, मेरे दिमाग में एक आइडिया भी है, मैं इसके साथ ना ड्रेस बनवाना चाह रही हूँ। लेट्स सी कि वो बनती है कि नहीं बनती, बट मुझे ये बहुत पसंद आया। मैं कुछ दिन इसको पहनूंगी, बट उसके बाद मैं इसका दुपट्टा जरूर यूज करने वाली हूँ। दुपट्टा फुल लेंथ का है, पूरा हैवी दुपट्टा, इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बहुत अच्छी है, बहुत लंबा चौड़ा ऊंचा दुपट्टा है, एंड पूरे में धागे का वर्क हुआ है। तो यार महंगा क्यों नहीं होगा आप बताओ, जहां पर आपको क्वालिटी मिल रही है वहां पर तो महंगाई मिलेगी ना। तो ये बहुत सुंदर सूट है, ऑर्गेन्जा पे इतना खूबसूरत वर्क हुआ है कि मैं क्या बताऊं, बहुत अच्छा है। चुन्नी मतलब पूरी 4 चांद लगा दिए चुन्नी ने सूट में, एंड ये चुन्नी आप ओढ़ोगे ना तो पूरा ध्यान किसी का भी आपकी चुन्नी पे ही रहेगा, सूट पे जाएगा भी नहीं। बहुत सुंदर सा सूट है ये, बहुत प्यारा सा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सूट, ये वाइवा फैब्रिक का है, मैं डाल दूंगी ग्रीन सूट बाई फला फला स्टोर। ठीक है, नेक्स्ट आई हैव दिस ब्यूटीफुल सूट। ये भी मेरा बहुत फेवरेट सूट है बिकॉज इसका जो पैटर्न है ना वो मुझे बड़ा अच्छा लगा, थोड़ा सा पठानी टाइप का लगा सूट। यहाँ पे कॉलर बनी हुई है, देन यहाँ पर ऐसे ये सिक्के टाइप के लगे हुए हैं जो कि बज रहे हैं। ऑल्सो आई रियली लाइक द स्लीव्स का पैटर्न, मैं आपको दिखाती हूँ इस तरीके की स्लीव्स, जैसे कुर्तों में नहीं बनती वैसे वाली, तो ये चीज़ अच्छी लगी मुझे। कॉलर है, और ना मैं इसका कॉलर फुल बंद करके पहनना पसंद करती हूँ, मुझे बहुत स्मार्ट वाइब आती है, एंड इसका कलर बहुत अच्छा है। इसमें मैंने बहुत सारे लोगों को सूट पहने देखा है इस पैटर्न में, इंस्टाग्राम स्टोर पर भी देखा था, बट सबसे अच्छा कलर मुझे यही लगा, आई डोंट नो क्यों, क्योंकि ना बाकी कलर्स बहुत बेसिक थे, जैसे मैंने देखा रेड एंड ब्लैक पर्पल बेसिक थे, ये कलर ना बहुत यूनिक सा है, बहुत यूनिक सा कलर है। सो ये बहुत ब्यूटीफुल सा है, ये आज ही मैंने कल पहना था, धुल्ले में गया था तो अभी ये प्रेस नहीं है,
बहुत अच्छा सूट है, बहुत प्यारा सा। एंड इसके साथ जो पैंट मिलती है ना वो भी बहुत अच्छी है। एक चीज खराब है, इसके साथ दुपट्टा नहीं है। दुपट्टा होता तो भाई साहब मजा आ जाती। अब हमारे लिए तो देखो दुपट्टा जरूरी है, तो मुझे इसके साथ स्टोल कैरी करना पड़ता है। सो दिस इज द पैंट जिसमें ऐसे नीचे झालरें लगी हुई हैं ऐसे करके ये पैटर्न में, एंड बहुत सुंदर सा लग रहा है पैटर्न। मतलब पैंट का भी पैटर्न और कुर्ते का पैटर्न बहुत अच्छा है। ये बेसिकली वही पठानी वाला पैटर्न है। एक चीज बताना भूल गई, इसमें यहाँ स्लीव्स भी हैं। अरे सॉरी, एक चीज बताना भूल गई, यहाँ पर ना इसमें पॉकेट्स भी हैं। भाई साहब देखो कितना बढ़िया लग रहा है, यहाँ पर ऐसे लेस बनी हुई है एंड पॉकेट्स भी हैं। मतलब एक सूट में जो चीज़ें चाहिए ना आपको, वो सारी चीज़ें सूट में। तो ये सूट भी अगेन बहुत अच्छा है, मैंने इसको बहुत बार पहना है। मैं आपको वही सूट दिखाऊंगी इन वीडियोस में जो सूट मुझे पर्सनली बहुत पसंद है और जिनको मैंने यूज़ किया। जब मुझे पसंद आते कोई चीज़ तो मैं यूज़ करती हूँ, तो ये वही चीज़ है। नेक्स्ट वी हैव दिस ब्यूटीफुल सूट जो कि हैंडमी सस्टेनेबल का। ये सूट मुझे बहुत पर्सनली पसंद आया, मतलब बहुत अच्छी वाइब आती है सूट पहन के। इसके साथ ये दुपट्टा मिलता है ऑर्गेन्जा का, जिसमें ऐसे धागे की लेस लगी हुई है। दुपट्टा इतना लंबा चौड़ा मोटा दुपट्टा है कि मैं क्या बताऊँ, बहुत लंबा चौड़ा दुपट्टा है। इतना बड़ा दुपट्टा था कि मैंने इसको ऐसे करके ऐसे कैरी किया था, फिर भी ये बड़ा लग रहा था, इतना अच्छा दुपट्टा है इसका। नेक्स्ट इसके साथ आपको मिलती है पैंट। पैंट कुछ इस तरीके से है, यहाँ तक का फैब्रिक लगा हुआ है, फिर यहाँ पर उन्होंने वर्क टिशू का कपड़ा लगाया है, ये टिशू का कपड़ा, एंड देन यहाँ पे लेस लगी हुई है। ठीक है, इस तरीके से पैंट है, यहाँ तक फैब्रिक है, एंड उसके बाद इस तरीके से है। मैं आपको दिखा देती हूँ इसके, मतलब ये फोर पीस सूट है। यूजुअली सूट में तीन पीस होता है, इसमें चार पीस है। चार पीस कैसे, मैं दिखाती हूँ। पैंट दिखा दिया, दुपट्टा दिखा दिया, ये इसके अंदर की ना स्लिप है, मतलब ये अंदर पहनने वाली चीज है। ये आप अंदर पहनोगे, स्लीवलेस सा कपड़ा, इतना अच्छा है, इतना ब्रीदेबल कपड़ा है, आप इसमें सांस ले सकते हो। गर्मी में भी बिल्कुल नहीं खलेगा। मैं गर्मी में गई थी बनारस और इतना हमने घूमा बट मुझे गर्मी कहीं नहीं लगी, बिकॉज सूट इतना अच्छा है, इतना कंफर्टेबल था। एंड देन यहाँ पर भी ना ऐसे यहाँ तक का फैब्रिक है, फिर यहाँ पर इन्होंने ऐसे टिश्यू का कपड़ा लगा के, एंड देन यहाँ पे एम्ब्रॉयडरी वाला ये क्रोशिया वाला काम किया। तो ये चीज़ बहुत अच्छी लगी मुझे इनकी, कि कपड़े महंगे हैं लेकिन कपड़े की क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। अभी मैं 500 का सूट अगर ले लेती हूँ अच्छा तो मुझे बहुत लगेगा, दो बार पहनूंगी फेंक दूंगी। बट ये सूट ऐसे हैं जिनको आप हमेशा पहन सकते हो। ये इसके ऊपर का टॉप है जो कि कुछ इस तरीके से है, जिसकी नेक ऐसी बनी हुई है, आप देख सकते हो। ये इसकी नेक है इस तरीके से बनी हुई है यहाँ पे, एंड यहाँ पर उनका टैग भी लगा हुआ है, एंड स्लीव्स पे भी सेम वही चीज़ है। मतलब ये इनका पैटर्न है कि फैब्रिक के नीचे जहाँ पर ख़त्म होता है काम आपका, और उसके बाद ये ऐसे है। ये वाला ना जो ऊपर वाला पार्ट है ये ए लाइन है, इसमें कहीं से कट नहीं है, ये थोड़ा ए लाइन में ना ऐसे फ्लोई सा है। तो जब आप नीचे स्लीवलेस पहनते हो लंबा सा स्ट्रेट के ऊपर जब कोई चीज़ ए लाइन आती है तो बहुत अच्छा लुक देती है, तो बहुत सुंदर सा लुक देता है ये। मैं ना आपको इसकी पिक्चर और वीडियो शेयर कर दूंगी तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। बहुत प्यारा सा आउटफिट है, बहुत प्यारा सा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सूट जो कि है हमारे पास यहाँ पर, ये सूट, दिस इज द करेंट फेवरेट सूट जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। कलर थोड़ा लाइट है लेकिन मतलब वाइब पूरी अच्छी है इसकी। ये नेट का दुपट्टा मिल रहा है इसके साथ आपको, पूरे में देखो ये वाली लेस लगी हुई है, बड़ी सुंदर सी लेस लगी हुई है, नेट का दुपट्टा मिल रहा है, ठीक है, लंबा चौड़ा सा। एंड इसके बाद आपको मिलता है इसके साथ पैंट इस तरीके से, ये आपको पैंट मिलता है, पूरा अस्तर लगा हुआ पैंट मिलता है, इसके अंदर अस्तर लगा हुआ है, लाइनिंग लगी हुई है, ठीक है, ताकि फटे नहीं। एंड देन आपको मिलता है इसका, ये है इसका सूट इस तरीके से, कुछ पैडेड है और अच्छा सा इसका नेक बहुत सुंदर बना हुआ है। फुल स्लीव्स का सूट है, एंड पीछे ना यहाँ पे चेन लगी हुई है, ये पूरा खुलता है, यहाँ पे पूरी चेन लगी हुई है जिससे आप इसको पहन सकते हो। पूरा फिटिंग अच्छे से कराने के बाद अच्छे से चेन लगा के पहन लो। बहुत प्यारा सा सूट है, कलर बहुत सुंदर सा है, इसका घेर भाई साहब बहुत अच्छा है। आपने मेरा वीडियो देखा कि नहीं देखा, बहुत अच्छा घेर है, एकदम लंबा सा। मैं ना साइड में वीडियो फोटो लगाती जाऊंगी जिससे ना आपको घेर वगैरह का आइडिया मिलता जाए, क्योंकि ना बैठ के इतना दिखाना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। लेकिन सूट वाकई में बहुत अच्छा है, कलर बहुत अच्छा है। एंड ये जो पर्पल सूट दिखाया था इसका ना मैं लिंक डालूंगी, हैंडमी सस्टेनेबल करके इनका ब्रांड नेम है, पर्पल सूट करके डाल दूंगी। एंड इसका ना मैं पिंक कलर का सूट लिख दूंगी, लाइट पिंक कलर भी है ये। सो अगेन ये सूट भी बहुत अच्छा सूट है, आप लोग ले सकते हैं किसी इंस्टाग्राम सूट का था। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सूट जो कि मेरा बहुत
पसंदीदा सूट है, दिस इज द रेड सूट बाय मिंत्रा। मैंने मिंत्रा से परचेज किया था जब मैं अपनी भाभी को फर्स्ट टाइम देखने गई थी, तो मैंने ये सूट पहना था। इसकी नेक कुछ इस तरीके से है, बहुत सुंदर सा, इसका प्रिंट बहुत सुंदर है। ये मुझे दीदी ने, मेरी गौरी दीदी ने सजेस्ट किया था सूट, मुझे बहुत पसंद आया। बेइंतहा खूबसूरत सूट है, रेड कलर का चुनरी वाला सुंदर सा, एंड आई रियली लाइक द पैटर्न। इसका जो बना हुआ है ना, ये पैटर्न बहुत सुंदर सा है। ये मिंत्रा का सूट है एंड बहुत खूबसूरत सूट है, मतलब मिंत्रा का सूट तो है लेकिन खूबसूरत सूट जिसको कहते हैं। एंड नेक्स्ट इसकी जो पैंट है वो बहुत सुंदर सी है। इसमें ना आपको सलवार मिलती है, ऐसी अफगानी सलवार जैसे दिखाई थी वैसी सलवार मिलती है, एंड इस तरीके से यहाँ पे लेस लगी हुई है। इसका लिंक दे दूंगी, मिंत्रा से है, बहुत सुंदर सूट है। मैंने बहुत कोशिश की इस टाइप का कुछ सूट मिले लेकिन मिला नहीं, एंड ये सूट मैंने उसके बाद पहना है एक दो बार, हाँ मार्केट वगैरह जाने में पहना है। बट ये ना बहुत एक वाइब, पहली बार तो रेड कलर है तो आपको ना बहुत मेकअप की जरूरत नहीं पड़ती, बहुत सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, आप इसको फटाक से पहन लेते हो, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। कॉटन का है। एक ड्रॉबैक इसमें यह है कि इसमें चुनरी नहीं मिलती, तो जिन सूटों में ना दुपट्टा नहीं मिलता उसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, बिकॉज दुपट्टा बहुत जरूरी होता है। और मैं हमेशा ना कुछ अलग ही दुपट्टे लेती हूँ, तो मुझे मेरी माँ हमेशा टोकती रहती है कि तुम्हारे किसी सूट में ढंग से दुपट्टा नहीं रहता। तो सूट मुझे सब अच्छे लगते लेकिन दुपट्टा किसी में नहीं होता, तो मुझे ये बहुत दिक्कत लगती है। बट ये सूट बहुत सुंदर है, बहुत ही ज्यादा प्यारा सूट है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। सो यार दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई जस्ट होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपको ये सारे सूट पसंद आए होंगे। आपका फेवरेट सूट कौन सा है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और आपने कौन सा सूट परचेज किया है ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं वीडियोस के साथ, क्रिएटिव चीजों के साथ, अच्छे अच्छे आइडियाज के साथ मैं आपसे दोबारा मिलती हूँ। तब तक के लिए लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मेरे दूसरे चैनल अभीक्षा एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करिएगा। इसके अलावा डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, बिकॉज मेरे सारे सूटों के ना जो फैशन वाला मैं पोज वोज डालती हूँ वो सब वहीं मिलते हैं, जो मैं उनको पहन पहन के घूमती हूँ सब कुछ वहीं देखने को मिलेगा। सो डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। सो नए वीडियोज के साथ, क्रिएटिव चीजों के साथ मिलती हूँ। तब तक के लिए लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय।